सुप्रभात मेरे नन्हे दोस्तों, आज हम अपने पाठ भाषा और व्याकरण का झटपट रिकैप देखेंगे। तो शुरू करते हैं भाषा से। भाषा किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। दूसरों के विचारों को समझने के लिए व अपने विचारों को समझाने के लिए ही हम भाषा का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं भाषा बहुत ही सरल होती है, कैसे? चलिए जानें भाषा के चार प्रमुख अंगों के बारे में। तो जब मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो आप उसे सुनकर मेरी बात को समझ जाते हैं। इसी प्रकार जब मैं कुछ लिख कर देती हूँ तो आप उसे पढ़कर समझ जाते हैं, है ना? कितनी सरल भाषा। तो अब हम जानते हैं भाषा के रूप के बारे में। तो भाषा का पहला रूप है मौखिक भाषा। देखिए, यहाँ पर एक दुकानदार लोगों को अपनी दुकान पे चल रही सेल के बारे में बता रहा है। रिपोर्टर किसी का इंटरव्यू ले रहा है। महिला हंस हंस कर किसी से फोन पर बातें कर रही है और यह आदमी अपनी कविता लोगों को सुना रहा है। चलिए अब देखते हैं हम भाषा के दूसरे रूप को, जो है लिखित भाषा। देखिए, यहाँ पर एक बच्ची पुस्तक पढ़ रही है और कोई अपने मित्र को पत्र लिख रहा है तो कोई अपने दोस्त को मेल व मैसेज कर रहा है ना? कितनी सरल भाषा। चलिए अब हम देखते हैं कि भाषा के स्थाई रूप को क्या कहते हैं। तो भाषा के स्थाई रूप को कहते हैं लिपि। जी हाँ, जिसे हम लिखते हैं वह लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। जिस प्रकार आप अंग्रेजी भाषा लिखते हैं, हिंदी भाषा लिखते हैं, तो वह लिपि कहलाती है। इस नक्शे में विभिन्न राज्यों में प्रयोग की जाने वाली लिपि दर्शाई गई है। ध्यान से देखिए, विभिन्न राज्यों के लिखावट का तरीका बताया गया है। अब हम जानेंगे अपनी मातृभाषा के बारे में, जो है हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।